सो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग यू ऑल। आज फाइनली ये आ गया है, ये आपको दिखा रहा हूँ मैं बैक कैमरे से, और भी कुछ चीज़ें हैं। आज फाइनली व्लॉग अपन डालेंगे। तो ये अपना पूरा सेटअप है, और ये अपना बेसिक सा एम्पलीफायर है जो 500 वॉट का होगा अपने ये छोटे वाले बॉक्सेस के लिए, और साथ ही साथ वो जो होते नहीं है जिसको अपन चोंगा बोलते हैं, वो उनके लिए ये वाला एम्पलीफायर यूज़ करेंगे। आपको बैक कैमरे से सब कुछ दिखाऊंगा। और ये जो स्पीकर्स हैं वो टॉप है, चार टॉप है और चार बेस के स्पीकर्स हैं। इसका जो डीप लेंथ है, जो डीप है ये 2.5 फीट का है, हाइट है 3 फीट का, और ऐसे चौड़ाई बोला जाए तो इसका होगा 2 फीट अराउंड। और ये वाला जो पता नहीं इसका नाम मुझे भी नहीं पता, मैं अभी इस फील्ड में नया नया हूँ, तो ये आएगा उसका, तो वो अभी रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा तो अपन इसमें फिट कर देंगे। है सारा कुछ नया, बट ट्रांसपोर्टिंग के चक्कर में जो है ना ये डैमेज निकला था। तो और ये कुछ एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स हैं जो वो मेरे मामा जी का है तो वो लेके जाएंगे, और जो भी वायरिंग का सामान है इसमें है, और ये एम्पलीफायर वगैरह है, मॉसफेट वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। तो अपन कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर में अपन, क्योंकि ये सारा सेटअप भी गाड़ी पे डालने वाले, गाड़ी आ रही है और उसके एंगल वगैरह सेट कर ही करवा लिया था, तो अपन देखते हैं कि वो कैसे सेट करते हैं और क्या करते हैं, तो अपन पूरा चीज़ यहाँ पे व्लॉग में देखेंगे। तो कंटिन्यू रहते हैं इसमें और देखते हैं। और ये माइक का स्टैंड है जो अपन अभी रेडी कर रहे थे, तो ये रेडी हो गया है, और आपको माइक दिखाता हूँ थोड़ी देर में, तो अभी पहले इसे देख लो। गाइस बेसिकली मैं ये बता दूं कि अपने को नीड अभी दिखाने का इन सब चीज़ों को है, क्योंकि मेरे पास अभी इतने सारे इक्विपमेंट्स हैं ना, मतलब ये भी है, ये भी है, ये तो दिखाऊंगा, ये डीजे का इक्विपमेंट्स है, बट ये अपने अपने उसमें नहीं आ रहा, मतलब डीजे के उसमें सामान पे नहीं आ रहा है। तो देखो ये एक मिक्सर है, ये एक मिक्सर है, और ये क्रॉस ओवर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो धीरे धीरे मैं सब चीज़ दिखाऊंगा इस वीडियो में, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, पहला व्लॉग है तो अपन इन्जॉय करेंगे वीडियो को। और ये जो स्टैंड है मैंने आपको दिखाया, एक सेकंड में बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, ये जो स्टैंड्स है ना वो अभी अपन रेडी कर रहे थे, क्योंकि बाद में अपने को इनका यूज़ है, और यहाँ पे भगवान की सारी मूर्तियाँ, तो ये अपन जो रेडी कर रहे हैं ना अपने को बाद में काम आएगा, तो अपन इसको अभी रेडी कर रहे थे, तो मैं आपको व्लॉग में दिखा दे रहा हूँ। और भी ये सारी चीज़ें इनको बस जब ओपन करेंगे तो अपन इनको भी देखेंगे, ठीक है, तो अभी चलते हैं। तो गाड़ी आप लोग को पता होगा गाइस कि इसको DI 207 बोलते हैं, और नॉर्मल लैंग्वेज में RX पिकअप। तो ये अपनी कंप्लीट गाड़ी है, और शिट फिसल गया था मैं अभी, तो अभी देखते हैं। ये जो अलग से इसको बनवाया अपन, और अभी इसमें फिट कर रहे थे तो थोड़ा टाइम लगा है, और भी बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि पहला सेटअप अपन टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो अपन ये फुल सेटअप अपन इसको डालेंगे, ये कंप्लीट सेटअप है, और ये सिर्फ और सिर्फ डीजे सेटअप के लिए यूज़ होता है एंगल। तो अभी और भी चीज़ें देखते हैं इस व्लॉग पे, तो वो चलते हैं। और इसको तो देख के ही समझ आ रहा होगा कि ये आजकल में ही आया है, तो आपको बता दूँ ये अपने को कल मिली है, अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा था। तो ये अपना जनरेटर है 20 kVA का, अभी इसको अपन यहाँ बाहर पर ही सेट करेंगे, इस पर ही टेस्टिंग करेंगे, तो देखते हैं और क्या क्या है। तो यह इज़ द इलेक्ट्रिक बोर्ड जो कि अभी जस्ट आया है। देखो इसमें कितने सारे स्विचेस दिए हुए हैं जो डायरेक्ट डलेगा स्टेबलाइजर पे, ठीक है। और ये तो सेटअप है, ये थोड़ी देर में अपन चालू करेंगे, क्योंकि मैं इसको सेट करते टाइम वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मैं खुद इन लोग को सेट कर रहा था एक लड़के के साथ मिलकर, तो मेरे को वीडियो बनाते नहीं बना, तो ठीक है अभी जब स्टार्ट करेंगे तब वीडियो स्टार्ट करेंगे इसका, तो अभी बंद करते हैं। 75 years later Jai Ram Jai Ram।
1000 years later. मैंने काफी कुछ किया, मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पाया कि नहीं पता नहीं, अभी जाके नहा धो के आऊंगा, अभी बहुत ज्यादा गंदा होगा। देखो हाथ, अभी ये अभी जनरेटर भी बंद करके रख दें, स्टार्ट कर उसका भी वीडियो बना दूंगा। और मैं प्रॉपर रिकॉर्ड किया हूँ कि नहीं ये अब वीडियो पे आप देख के कमेंट पे बताओगे मेरे को, और देखते हैं अभी डिस्क्रिप्शन में सारा चीज़ मैं डालूंगा कितना क्या है अपना चार्जेस वगैरह, और भी बहुत सारा काम है तो वो सब चीज़ इसमें डालूंगा। बाकी मेरे दो चैनल है, एक मंग्स करके जो ब्लॉगिंग चैनल है बट, और एक ये डीजे का एक अलग सिस्टम है, तो वो मैं अलग अलग रखूंगा। और अभी बैकग्राउंड पे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। तो अपन चलते हैं, अभी नहा के मिलते हैं और देखते हैं इसके बाद। अभी तो कुछ काम नहीं है बट अभी एक दो काम है वो करेंगे कंप्लीट। सारा सामान अंदर करके मैं, जैसे कि आपको पहले वीडियो में बता दिया था कि मैं नहाने जा रहा हूँ, देन अभी मैं नहा दो के रेडी हो गया हूँ। रेडी तो नहीं हुआ अभी, मतलब ये अभी ऐसे बैठा हूँ। और एक सेकंड, हाँ तो मैं ये बोल रहा था कि सारा सामान मैंने अंदर कर लिया और मैं नहा के खाना वाना खा के रेडी हो गया, और अभी मेरे को एक दो काम और है वो कंप्लीट करना है। अभी वो जनरेटर के लिए मेरे को पटरी रेडी करवाना था तो वहाँ के लिए भी खरौरा जाना पड़ेगा। और अभी ये मेरी करंट फिजिक है, अभी इसका वीडियो कंटिन्यू करेंगे अपन मेरे दूसरे वाले चैनल पे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं मेरे को सारे जिम के प्रॉपर वीडियो व्लॉग डेली व्लॉग्स वगैरह रहते हैं। तो अभी ये मेरा मतलब कंडीशन है, अच्छा है, बाकी अभी और इसको बिल्ड करेंगे तो चलते हैं।